कोतवाली पुलिस को लावारिस हालात में मिली देसी शराब से भरी एक 44 गाड़ी, पुलिस ने 61 पेटी जब्त कर की बरामद। बाड़मेर शहर के नेशनल हाईवे 68 पर चोटन रोड चौराहे के पास शुक्रवार रात्रि को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लावारिस हालात में एक खड़ी 44 से शराब बरामद कर ली है। 44 को जब्त कर लिया है और पुलिस ने 44 को जब्त कर थाने लेकर पहुंचे और 44 गाड़ी में रखी 61 पेटी देसी शराब बरामद कर ली है। सिटी कोतवाली में कार्यरत हेड कांस्टेबल पदमपुरी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लावारिस 44 से के बारे में जांच पड़ताल की। गाड़ी में शराब भरी पाई जाने पर पुलिस ने 44 को जब्त कर थाने खड़ी करवा दी और 61 पेटी देसी शराब बरामद की। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किस तरह की सूचना मिली थी और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कल 14 जनवरी को सूचना मिली, नेशनल हाईवे नंबर 68 चौथन चौराहे के पास एक 44 गाड़ी खड़ी है गुजरात पास GG18BA1849, उसमें शराब भरी हुई है। मौके पे गए CSR उगमराज जी और सब। मौके पे पहले तो कोई मिला नहीं, करीब आधा घंटा बाद एक युवक है, उसने बताया कि ये ठेके की है और हम ले जा रहे हैं। फिर हमने पता किया गोदाम से आसान शुगर मिल्स डिपो है बालोतरा और बाड़मेर से, उनसे पता किया तो कि ये गाड़ी यहाँ से भरकर रवाना नहीं होगी। उस गाड़ी में टोटल जो भी शराब थी वो अवैध थी, जिसको हमको थाना लेके आए और 61 कार्टून, टोटल 5 क्वालिटी है, 61 कार्टून थे टोटल पवा देसी शराब से भरे हुए पवा के थे, उनको जब्त किया और मुकदमा दर्ज किया। गाड़ी को भी जब्त किया गया? हाँ, गाड़ी जब्त की है, शराब अवैध जब्त की है, मुलजिम के बारे में पता कर रहे हैं। तो सर ये शराब यहाँ से कहाँ ले जाई जा रही थी? कुछ बताओ तो ये है कि ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये शराब जो यहाँ कम बिक्री होती है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जहाँ ज़्यादा बिक्री हो संभवतः गुजरात जा सकती है, वहाँ पर ये गुजरात ड्राइव जोन एरिया है वहाँ पर बिक जाती है।